अगेन वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज डर्मा 24 कैरेट स्किन क्रीम। आज मैं इस वीडियो में आपको डर्मा 24 कैरेट स्किन क्रीम के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी, इससे रिलेटेड सभी जानकारियां आपको दूंगी। ये कौन से स्किन डिजीज में काम आती है, इसे कैसे यूज करना है, इसकी प्राइस क्या है और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो दैट इज कॉल्ड डर्मा 24 कैरेट स्किन क्रीम। तो आइए देखते हैं कि डर्मा 24 कैरेट स्किन क्रीम देखने में कैसी है। ये देखिए, सबसे पहले इसकी पैकिंग जो ये गोल्डन कलर की पैकिंग में आप देख सकते हैं डर्मा 24 कैरेट स्किन क्रीम, और ये ब्रॉड कंपनी ब्रॉड फार्मेसी द्वारा बनाई गई है। और ये एक ऐसी क्रीम है जिसमें कंपनी दावा करती है कि मेनी स्किन प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन, यानी कि बहुत सारे स्किन डिजीज में ये एक ही जो है क्रीम आपको इफेक्ट करेगी और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये आपको देगी। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से स्किन डिजीज में यूजफुल है। ये सबसे पहले हर्पिस में यूजफुल है। अगर आपको हर्पिस की समस्या है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और जो है सिरोसिस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको सिरोसिस हुई है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, जो कि स्किन की एक बहुत जो है बहुत कठिन प्रॉब्लम जिसे हम कह सकते हैं वो है। एक्जिमा में आप इसे यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का एक्जिमा हो, ड्राई हो या लिक्विडी हो या बहुत पुरानी एक्जिमा हो उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। स्कैबीज में आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर डे टू डे लाइफ में अगर आप जल जाते हैं, जलने कटने पे भी आप इसे लगा सकते हैं। अगर आप कहीं जल गए हैं उस जलन में भी आप इसे लगा सकते हैं। प्रियोटिक्स में आप इसे लगा सकते हैं। बेड सोर में ये यूजफुल है, अगर बेड सोर हो गई है उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। डायबिटिक अल्सर में आप इसे यूज कर सकते हैं। और जो है बहुत जो प्रॉब्लम वाली अल्सर होती है जो एकदम किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रही है उसमें भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके हाथ या पैर कहीं भी कट जाते हैं, यानी कि कट्स में भी आप इसे इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं। ब्रूजेस में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि खरोचे जो है उसमें आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो है किसी भी प्रकार के घाव में आप इसे लगा सकते हैं, कहीं भी अगर आपको घाव हो गई है उसे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इंसेक्ट बाइट्स में भी ये यूजफुल है, यानी कि कीड़े मकोड़े अगर आपको चाट देते हैं उस कंडीशन में भी आप इसे लगा सकते हैं। और जो है सोर्स में ये यूजफुल है, किसी भी तरह के जो सोर्स होते हैं, जख्म होते हैं उसमें ये यूजफुल है। अगर आपकी स्किन जो है एलर्जेटिक है, यानी कि एलर्जी से आप परेशान रहते हैं, किसी भी चीज़ की एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, उसमें भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और स्ट्रेच मार्क, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेच मार्क होती है उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी एड़ियाँ फटती हो तो फटी हुई एड़ियों में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और अगर छाले या मस्ते की समस्या आपको है उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं, ये जो है उसमें भी अपना इफेक्ट दिखाएगी। किसी भी तरह के स्किन में अगर आपको खुजली यानी कि ईचिंग की प्रॉब्लम है, या तो स्किन बहुत ड्राई है, फटी फटी रहती है, उसमें आप इसे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ये असर करेगी। यहाँ तक कि घमोरियों में भी इसका बहुत अच्छा असर है। अगर आप प्रिकली हीट का ये काम करेगी, अगर आप पाउडर नहीं यूज़ करके इस क्रीम को लगाते हैं तो घमोरियों में भी जो है आपको आपके घमोरियों की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और जो है पिंपल्स, अगर किसी को पिंपल्स की बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं, ये पिंपल्स में भी यूजफुल है। और एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम जो है वो है डार्क सर्कल्स, यानी कि आँखों के नीचे जो काले घेरे हैं उसमें भी आप अगर इसे कंटिन्यू लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो आपने देखा कि कई सारे स्किन प्रॉब्लम्स में ये एक क्रीम जो है आपको इफेक्ट दे रही है। तो ये बहुत यूजफुल क्रीम है, हर घर में इसे एक होना चाहिए। और भी इसके बहुत सारे यूजर्स हैं जो मैं नहीं मेंशन कर रही हूँ, जैसे कि बच्चे के नैपी रैश में भी आप इसे लगा सकते हैं। अगर बच्चे को नैपी रैश है तो इस क्रीम को आप इजीली लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 100% नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए चेक करते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, पहला इंग्रेडिएंट है वो है हरिद्रा, एलोवेरा, रक्त चंदन, कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल, एनमल्ड ऑयल, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं इनको मिला करके इस मिश्रण से इस पावरफुल क्रीम को बनाया गया है। और ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए, जैसा हम सभी जानते हैं। और इसमें ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी स्किन को डैमेज करे। तो आइए बात करते हैं इसे लगाना कैसे है।
इसे जो है इसे लगाने का तरीका बहुत आसान है। आप जिस एरिया पे अप्लाई करना चाहते हैं उसे किसी सोप से धो ले, साबुन से धो ले और अच्छे से सुखा ले, और उसके बाद उस एरिया में आप अप्लाई कर दे और थोड़ा सा जो है सर्कुलेट करके मूव करके हाफ मिनट तक उसे अच्छे से लगा ले, मसाज टाइप का कर ले और छोड़ दे। ऐसा आपको दिन भर में दो बार करना है जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जो है धीरे धीरे जो है आपकी स्किन की प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। आइए देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। इसकी जो प्राइस है ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, इसकी प्राइस जो है आज के डेट में 196 रुपीज़ है, यानी कि 196 रुपये इसके आज के डेट की प्राइस है। और ये किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में आपको इजीली मिल जाएगी, बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी। हाल ही में ये क्रीम लॉन्च हुई है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छी है, तो इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय।